सिरमौर जिले में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूक कर रहा है। यही वजह है कि जिले में लिंगानुपात गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर हुआ है। वर्ष 2022-23 में ये अनुपात 978 था, वहीं इस वर्ष अभी तक ये अनुपात 1027 है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरमौर के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि विभाग लोगों को बेटियों को खेलों पढ़ाई में समान अवसर प्रदान करने के बारे में जागरूक कर रहा है और साथ ही उन्हें सरकार की ओर से बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बेटियों को अब प्रदेश में 10वीं व जमा 2 में मेरिट सूची में 10 स्थानों पर आने पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और ऐसे ही जिला स्तर पर प्रथम आने पर उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए 20,000 की सहायता भी दी जाती है। इसी तरह से मातृवंदना योजना में बालिका जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बेटियों को अपने लड़कों के समान जीवन के हर क्षेत्र में पढ़ाई में खेलों में समान अवसर करें। जिन बच्चियों ने विभिन्न क्षेत्रों में खेल कूद या पढ़ाई में 10वीं के हिमाचल बोर्ड की या प्लस टू में पहले 10 स्थानों पे मेरिट में जिन बच्चियों का नाम आया है उन बच्चियों को हम प्रत्येक बच्ची को 5,000 इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि से सम्मानित कर रहे हैं और जो पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पर आई है उस बालिका को हम अपनी पढ़ाई में उसकी पढ़ाई में योगदान के लिए 20,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं। चंद्र योजना के अंतर्गत जो महिलाएं पहली बार गर्भवती हो रही है उसको 5,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं और दूसरे बच्चे में यदि वो बालिका है तो उसको एकमुश्त 6,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं।